IC 814 द कंधार हाईजैक रिलीज के बाद से ही विवादों में घिरी हुई है। दरअसल IC 814 द कंधार हाईजैक के निर्देशक अनुभव सिन्हा ने असल घटना पर बनी वेब सीरीज में आतंकवादियों के नाम बदलकर हिंदू देवताओं के नाम पर रख दिए हैं। ऐसे में लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं और इस सीरीज पर बैन लगाने की भी मांग कर रहे हैं। इसी बीच कैप्टन देवी शरण, जिसका किरदार विजय ने निभाया है, उन्होंने मेकर्स को दी गालियां और बताया पूरा सच। देवी शरण ने दिए इंटरव्यू में बताया कि मेकर्स ने सीरीज में आतंकवादियों के नाम के अलावा दो और घटनाओं के बदला है। उन्होंने कहा, सीरीज में दिखाया गया कि विदेश मंत्री हमें सलामी देते हैं, लेकिन असल में उन्होंने हमें सलामी नहीं दी थी, उन्होंने बस इशारे से हमारे प्रयासों की सराहना की थी। दूसरी गलती, देवी ने आगे कहा कि इसके अलावा मैंने खुद पाइपलाइन की लाइन को ठीक नहीं किया था। उन्होंने यानी कि तालिबानी अधिकारियों ने एक कर्मचारी को भेजा था, मैं उस कर्मचारी को अपने साथ विमान के होल्ड में लेकर आया था क्योंकि उसे नहीं पता था कि लाइनें कहां पर हैं, लेकिन सीरीज में दिखाया गया कि मैंने खुद वो पाइपलाइन ठीक कर दी। सीरीज के रिलीज होने के बाद से ही आए कॉल्स, हाईजैक फ्लाइट में बैठे 4 से 5 यात्री 5 साल पहले तक देवी शरण के संपर्क में थे। उन्होंने बताया कि सीरीज के आने के बाद जब फ्लाइट में उनका नाम अनाउंस हुआ तब वो पैसेंजर्स ने उन्हें पहचान लिया। वहीं जान पहचान के लोग उन्हें कॉल कर बधाई दे रहे हैं। अब हाल ही में अगर माना जाए तो ये सीरीज में सच्चाई बताना और लोगों के नाम बताना थोड़ा गलत सा लग रहा है, इससे लोगों की प्राइवेसी थोड़ी खराब हो रही है। अब ऐसे में क्या IC 814 द गंदार हाईजैक बैन हो जाएगी और हटा दी जाएगी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से? देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़वेल इंडिया से।